तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी आज यहाँ पे ऑडियंस हमारे पास आई है, या तो फिर वो 12th पास आउट कर चुकी होगी, या फिर वो अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पास आउट कर चुका होगा, या फिर लास्ट सेमेस्टर उसका होगा, जो भी यहाँ पे JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सारे सभी स्टूडेंट के आज मैं इस सिंगल वीडियो में डाउट क्लियर करूँगा कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर वगैरह है, और ये कॉलेज आपके लिए सही है भी या नहीं है। तो आज हम JNU के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो को देखते हैं, पूरे YouTube में आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम JNU के कैंपस के बारे में बात करें, तो कैंपस बहुत ही लग्जरियस कैंपस है, सारी फैसिलिटीज वहाँ पे मौजूद हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम फीस में आपको सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करें, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको अवेलेबल के लिए कराई जा रही है। एकेडमिक्स की बात करें, तो एकेडमिक मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, सारी फैसिलिटीज, सारे इक्विपमेंट सब कुछ वहाँ पे आपको मौजूद हैं। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, तो प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है, इसका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल डिटेल कंप्लीट रिव्यू आपको हमारे इसी सिंगल वीडियो में कवर करी जाएंगी। तो मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं, बेस्ट कॉलेज रिव्यू चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग होने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू और उन्हीं कॉलेज कैंपस टूर्स भी कराता हूं, ताकि हमारे ऑडियंस, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं, जो कि होने वाली है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये सब कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा कैंपस है उसका। एंड ये मैंने कुछ पिक्चर्स है जो आपके लिए लगा के रखी, ताकि कहीं ना कहीं आप इसको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे उसके रिव्यू पर। ये कुछ कैंपस की आप पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव जैसे मैंने आपको बताया लग रहा है। तो ये कैंपस की पिक्चर है। एंड अब हम आ चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी यहाँ से हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या रैंकिंग है, क्या प्लेसमेंट है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोर्सेस है, कैसे एडमिशन लेना है, सब कुछ जो मैंने आपको पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट रहा है। और ऐसे अगर हम रैंकिंग की बात करें, तो एनुअल रैंकिंग 2023 की हम बात करें, तो JNU इज रैंक्ड सेकंड इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी एंड 10th इन ओवरऑल कैटेगरी इन इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर की 10th रैंकिंग पे है। और अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज बात करें, सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी है ये, जो कि यहाँ पे मानी जाती है। और JNU बहुत ही बेस्ट टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज है। तो ऐसे ही आगे बढ़े, तो कैंपस एरिया की बात करें, तो 1019 प्लस एकर्स यहाँ पे कैंपस एरिया है, जो कि अनलिमिटेड एज कम्पेयर टू IIT, जितना IIT का होता है उतना ही लगभग यहाँ पे हम कैंपस एरिया देखने को पा रहे हैं। तो इतना बड़ा कैंपस एरिया कि आप एक दिन में इसको ट्रेवल ही नहीं कर सकते हैं। और टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, तो 10,000 प्लस यहाँ पर क्या है, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैंपस है, तो बहुत वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज होंगे, और जितने ज्यादा कोर्सेज होंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल होंगे यहाँ पे। तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी अपनी परसुइंग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, कि अगर मान लो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो और आपको JNU यूनिवर्सिटी पहुंचना है, देन आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहला तो रूट है बाय एयरपोर्ट, या तो फिर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, यानी अगर आप एयरपोर्ट यानी बाय फ्लाइट आप जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे, तो आप कहीं से भी हो, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, वहां की आपको टिकट करानी होगी, विच इज अबाउट 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। यू कैन हायर अ टैक्सी, यूज ऐप बेस्ड कैब सर्विस टू रीच JNU, यानी एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको JNU कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। आप इजीली कैसे भी इजीली रूट वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी इंडिया के आप किसी भी कोने से हो, आपको पहले आना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन वहां से अप्रोक्सीमेटली आपको 15 किलोमीटर फ्रॉम JNU की डिस्टेंस है, वो कवर करके आपको कॉलेज पहुंचना होगा। तो यू कैन टेक अ मेट्रो, बस, टैक्सी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू द कैंपस, यानी कैंपस के लिए आप कुछ भी इनमें से कोई भी चीज एक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी सारी चीज आपको पता है, लेकिन मैं तब भी आपको बता दिया, अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी।
हाउ टू टेक एडमिशन इन जेएनयू, कि अगर आप जेएनयू के बारे में कुछ भी नहीं जानते तब भी आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एंड में मैं प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ बात करें, अगर मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी यूजी प्रोग्राम परस्यूइंग करना चाहते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो 10+2 विद 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम क्या सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का करवा सकते हो। अगर आप बीटेक वगैरह कर ले रहे हैं तो आपके यहाँ पे जे मेन भी कहीं ना कहीं प्रेफर करता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो रजिस्टर एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल जेएनयू और सीयूटी की हेल्प से आप एडमिशन ले सकते हैं। सिलेक्शन बेस्ड क्या है, सीयूटी यूजी स्कोर एंड अदर क्राइटेरिया लाइक द डेप्रिवेशन पॉइंट्स, इसके बिहार पे आपका एडमिशन होता है। ऐसे हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट यानी पोस्ट प्रोग्राम के बारे में यानी पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम देखने के पाए, तो गैस मुझे थोड़ा यहाँ पे कोल्ड है तो डोंट माइंड, इसको माइंड मत करिएगा। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो होल्ड एंड रिलीवेंट बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ में। एंट्रेंस एग्जाम क्या आप सीयूटी एग्जाम देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, रजिस्टर एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल जेएनयू या फिर आप सीयूटी की वेबसाइट से ही एनरोल करके आप काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हैं। सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सीयूटी पीजी स्कोर एंड अदर क्राइटेरिया। पीएचडी करना चाहते हो ऐसे ही होल्ड रिलेवेंट मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट, आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी होगा। फिर वही आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भर सकते हैं। सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया यही सारा है। स्पेशली अगर हम बीटेक एमबीए के लिए बात करें तो बीटेक के लिए एडमिशन थ्रू द जेईई मेंस स्कोर फॉलोड बाय द जोसा एंड सीएसईई काउंसलिंग। एडमिशन अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो कैट यानी सीएटी एग्जाम यानी कैट एग्जाम के थ्रू आपको एमबीए में एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप इसमें से कोई भी आप एक कोर्स परस्यूइंग कर रहे होंगे, तो अगर आपको नहीं भी नॉलेज है तो ये वीडियो देख के आपको नॉलेज हो गई होगी। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, नहीं आप एप्लीकेशन कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे फिल करेंगे, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू जेएनयू एडमिशन पेज, या तो या आप जेएनयू एडमिशन पेज पे जाए या फिर आप सीयूटी पेज पे सीयूईटी पेज यानी क्या था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे आप जाकर के उसकी काउंसलिंग के थ्रू आप फॉर्म भर के एंट्रेंस देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए आपको क्रिएट द स्टूडेंट अकाउंट, आपको स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिल आउट द फॉर्म, फॉर्म को आपको फिल करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट करने होंगे, सबमिट फी यानी जो रिलेवेंट फी जो जो सुटेबल फी होगी वो आपको पे करनी होगी, या फिर आप यहाँ फॉर्म भर रहे हो या फिर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो। सीयूटी के बारे में आपको तो पता ही होगा, जेएनयू के बारे में नहीं पता होगा, तो यहाँ से आई होप आपको पता चल रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फॉरेन नेशनल मान लो अगर फॉरेन से पढ़ना चाहता है तो अप टू 15% ऑफ सीट इन ईच प्रोग्राम आर रिजर्व, यानी फॉरेन नेशनल्स के फॉरेन फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट रिजर्व रहती है उन लोगों के लिए कोई भी कोर्स हो। रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात करें, जेएनयू फॉलोज रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर ओबीसी एसटी एसटी एंड पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व सीट्स रहती है, रिजर्व ऑफर्स आपको देखने मिलते हैं जस्ट लाइक स्कॉलरशिप एंड एज वेल एज सीट्स ऑल्सो। स्कॉलरशिप की बात करें, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग मान लीजिए बाहर से पढ़ने आ रहे हैं तो उनको कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको देखने मिलेगी। वैसे भी जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है, जितने अच्छे आईआईटीज, जितने टॉप कॉलेज होते हैं, बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप आपको ऑफर करते हैं ताकि आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहली बात तो आपको ऐसा कॉलेज ही मिल रहा है तो आपको कैसे भी आपको एडमिशन लेना है, फीस उशू हो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि ये बहुत ही टॉप कॉलेज में से आते हैं। अगर अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो डिग्री बहुत ही वैल्यूबल हो जाती है, आप की जो प्राइस यानी आपकी जो वैल्यू होती है बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। तो अगर हम मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत जगह मिलती है यानी बहुत हर कॉलेज में ऑफर होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें, डिजर्विंग एंड मेरिटोरियस यानी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, उनको मिलती है। फैमिली इनकम नॉट एक्सीडिंग यानी 2.5 लाख से ज्यादा उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। और अमाउंट वेरीज बेस्ड ऑन द स्कॉलरशिप, जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। फॉर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप इसके लिए क्या है, मेरिटोरियस स्टूडेंट इन एमए प्रोग्राम फॉर द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज अप्रॉक्स 700 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। सो अगर आप बैचलर हैं 700 रुपए आपके लिए बहुत है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपके। प्रोफेसर रमेशा राव स्कॉलरशिप एंड ट्रेवल ग्रांट। एलिजिबिलिटी क्या हो, स्टूडेंट इन द कैंसर बायोलॉजी प्रोग्राम में हो उन्हीं के लिए है। अमाउंट 3,000 रुपए पर मंथ फॉर द 10 मंथ्स एंड ट्रेवल ग्रांट अप्रॉक्स 30,000 पेपर्स एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो तेंदुलकर स्कॉलरशिप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो तेंदुलकर स्कॉलरशिप में क्या देखने को मिल रहा है,
एलिजिबिलिटी टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्कूल और सोशल साइंस बाय द रोटेशन अमाउंट आपको 4 रुपए पर मंथ फॉर 2 ईयर्स मिलने वाला है। यानी रोटेशन के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे और 400 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है फॉर अ 2 ईयर्स के लिए। प्रोफेशनल स्कॉलरशिप ये है टू सेकेंड ईयर, यानी टू सेकेंड ईयर एम एम एस सी एम सी ए स्टूडेंट विद द हाइएस्ट सी जी पी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये उनको मिलने वाला है 1500 रुपए पर मंथ फॉर अ 1 ईयर के लिए मिलेगा। जवाहर भवन ट्रस्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो एलिजिबिलिटी 10 स्टूडेंट मेंटेनिंग अ सीजीपीए ऑफ 5.5 एट द एंड ऑफ द थर्ड सेमेस्टर ऑफ द एमए एमएससी एंड फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ द केस ऑफ एमसीए, यानी इनके लिए सारी चीजें एलिजिबल होने वाली है। तो 1000 रुपए पर मंथ फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल, यानी ये रिन्यूएबल हो सकता है आपका, तो 1000 रुपए पर मंथ आपको फॉर 1 ईयर के लिए मिल सकता है और ये रिन्यूएबल भी हो सकता है आपके लिए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्कीम्स आपके लिए अरेंज की गई हैं और बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो स्कॉलरशिप को तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ऐसे ही आगे बढ़े तो अगर हमें बात करें कोर्सेज के बारे में, जैसे लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देखने पाते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन कौन से देख पाते हैं, बीए ऑनर्स देख पाते हैं, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड बीटेक आप देख पाते हैं, वेरियस लैंग्वेज सच एज अरेबिक चाइनीज फ्रेंच जर्मन जापानीज कोरियन पर्शियन रशियन स्पेनिश एंड उर्दू, बहुत सारी आप सोचिए इतनी ज्यादा आपको स्पेशलाइजेशन मिलने वाले हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके लिए। बीएससी बीटेक ऐसी कर सकते हो, बाकी आप ये सारी चीजें रीड करिएगा, अगर मैं आपको रीड करके बताऊँ ना तो बहुत ही ज्यादा इस वीडियो में टाइम जाने वाला है और पक्का आप इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं बोर होंगे और स्किप जरूर करेंगे। एम ए है एम एस सी है एम सी ए है एम टेक है एम बी ए है एम पी एच है, सारी चीजें आप पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हैं। डॉक्टर यानी पीएचडी कोर्सेज की बात करें तो पीएचडी कोर्सेज हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है इसको आप रीड करिएगा। स्पेशल कोर्सेज है आपको यहाँ पे कौन देखने को पाएंगे, स्पेशल कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इंटीग्रेटेड आप देख पाएंगे, पीजी डिप्लोमा देख पाएंगे इन वेरियस स्पेशलाइजेशन फील्ड, यानी ये सारी आप चीज देख पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें यानी आप कोई भी कोर्स परस्यू करें तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए आपको 376 पर ईयर, यानी ना के बराबर भी आपको फीस देखने को मिल रही है, इससे ज्यादा तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आपकी फीस के ज्यादा, वो भी पर मंथ मिल रही है, तो फीस आपकी पर ईयर है। मास्टर करना चाहते हैं तो 376 रुपए पर ईयर, ऐसे ही मास्टर साइंस करना चाहते हैं 376, एमटेक करना चाहते हैं 400, पीएचडी करना चाह रहे हैं 400 पर ईयर, यहाँ पे पर ईयर आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको पर ईयर पे करनी है। बीटेक एमटेक करना 527 रुपीज इंडियन करेंसी में आपको पर ईयर पे करने होंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू ऑफर अ टोटल 126 सीट्स फॉर द बीटेक प्रोग्राम विद 63 सीट्स ईच इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी सीएससी में 63 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिमेनिंग सीट्स अवेलेबल है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी चीजें ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। फेमस एलुमनाई की बात करें कि अगर हम फेमस एलुमनाई की बात करें कि एलुमनाई वो लोग होते हैं जो वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके होते हैं और देखते हैं कि और भी फेमस एलुमनाई वो होते हैं जो अपनी बहुत ही करियर बहुत ही नेम फेम अर्न कर चुके हैं, जैसे लाइक निर्मला सीतारमन, आज इनको कौन नहीं जानता जो करंट की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है, एस जयशंकर इनको भी कोई नहीं जानता होगा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया है, अभिजीत बनर्जी नोबल न्यूरेट ल्यूरेट इन इकोनॉमिक्स है, और स्वारा भास्कर जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, कन्हैया कुमार जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के रह चुके हैं। फेस्ट की बात करें जेएनयू में कौन सा टॉप फेस्ट होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्ट एट जेएनयू इज जेएनयू कल्चरल फेस्टिवल कॉमनली नोन एज जेएनयू फेस्ट, दिस एनुअल इवेंट इज सेलिब्रेशन ऑफ अ डाइवर्स कल्चर, यानी एक एनुअल फेस्ट होता है पूरे डाइवर्स कल्चर को पूरा एक्सपेंड करता है। तो अब हम फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, लैब्स है, योगा फैसिलिटीज है, कैंटीन है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल है, ग्रीन कैंपस है, प्लेसमेंट सेल है, ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है हमारा प्लेसमेंट है, कि प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट पैकेज ऑफर बाय द वॉज INR जो कि 33 लाख पर एनम ऑफ कैंपस पास जो कि सिस्को के थ्रू ऑफर किया गया है। ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज आपको 16 लाख पर एनम का देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज की बात करें तो यानी द एवरेज पैकेज स्टूड एट INR 11 लाख पर एनम जो कि वन ऑफ द बेस्ट देखने को पा रहा है, अगर आप कैंपस में इतना पक्स पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू योर फीस, फीस भी आपको बहुत ही सुटेबल फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट है, मैं जो चीज आप जानना चाह रहे हो मैंने नहीं बताई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।